काफ़ी अरसे से सारे व्यूवर्स मेरे से डिमांड कर रहे थे कि आप टर्टल के बारे में कुछ बताएं, उसके ऊपर कुछ अपलोड करें। तो अब मैंने सोचा कि टर्टल के ऊपर एक पूरी एक प्ले लिस्ट जिसमें आपको फोन लिस्ट की पता चले कि टर्टल क्या है, किस तरह से करता है, कैसे कैसे और खूबसूरत पैटर्न हम इसके साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले जनाब आप करेंगे कि इम्पोर्ट करेंगे टर्टल की लाइब्रेरी को। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्जी का जो भी चाहें इधर दे सकते हैं, आप चाहें तो इधर हेक्सा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद स्पीड 0 यानी हमें मैक्स स्पीड चाहिए तो स्पीड 0 स्पीड के फंक्शन में डालेंगे। और पेन साइज़ यानी कि आपका जो मार्क जो पॉइंट जिस तरह से पेन की आपकी निब होती है कि आप बारीक लिखना चाह रहे हैं, मोटा चाह रहे हैं, जिस तरह का भी पैटर्न चाह रहे हैं आप पेन साइज अकॉर्डिंगली रखेंगे। उसके बाद पेन का कलर भी आपकी अपनी चॉइस पे है, यहाँ पे जैसे मैंने रेड डाला हुआ है, इट्स अप टू यू आप कौन सा कलर, और इसमें भी एज इट इज़ के आप हेक्सा कलर यूज़ कर सकते हैं और रेड ग्रीन भी दे सकते हैं कोई सा। अच्छा उसके बाद जनाब हमें दो फंक्शंस बनाने हैं, जहाँ पे एक होगा हमारा ड्रॉ सर्कल का फंक्शन और एक होगा हमारा ड्रॉ डिज़ाइन का फंक्शन। तो ड्रॉ सर्कल का फंक्शन हमें हम पास करेंगे अपना रेडियस को, और रेडियस जैसा कि कीवर्ड है आप यहाँ पे रेडियस के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे वो हमारा रेडियस के तौर पर। तो फॉर लूप चलाएंगे, पहला फॉर लूप हमने रेंज दे दी 10 की और टर्टल डॉट सर्कल, जैसे सर्कल हमारा जो है बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर हमने पास कर देना है रेडियस को, और फिर इसको डिक्रीज करने के लिए जिस तरह से हम वैसे नॉर्मली डेक्रीमेंट्स डालते हैं, तो यहाँ पर भी रेडियस को हम चाहेंगे कि हर एक रेडियस के बाद उसके बाद नेक्स्ट छोटा बने तब वो हमें नज़र आएगा। तो रेडियस -4 पे लिए मैंने, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आप बल्कि चाहें तो मुख्तलिफ किस्म के रेडियस और मुख्तलिफ किस्म के उसमें से माइनस करके देखिए कि उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, कि रेडियस का सर्कल जब आप रेडियस कम करेंगे तो किस तरह से छोटे सर्कल होते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ड्रॉ डिज़ाइन का फंक्शन, यहाँ पे भी एज इट इज़ फॉर लूप लगेगा और हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे ड्रॉ सर्कल को, जिसको कहते हैं यहाँ पे दे दिया हमने 150, आप 150 करें, 200 करें, 250 करें, डिफरेंट वैल्यूज डाल के चेक करें। और उसके बाद हम टर्टल को राइट साइड पे यानी हमारे पास ये होता है कि हम इसको एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज मूव करा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे राइट 36 दिया, आप चाहें लेफ्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद डॉट डिज़ाइन कॉल किया और टर्टल डॉट डन, ताकि वो उसके बाद हमारा फिनिश हो जाए। ओके तो चलिए जनाब अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट पर क्या आता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत आउटपुट, रेड कलर में फ्लावर टाइप का पैटर्न आ रहा है हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट कलर में नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूँगी कि वहाँ पर डिफरेंट कलर कैसे लाया जा सकता है। ओके जी, लास्ट।